आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को डीजल या पेट्रोल चोरी का डर भी सताने लगा है। इसके अलावा कैसे आजकल चोरियां हो रही हैं, आप लोग इससे कैसे बच सकते हैं और इसकी शिकायत कहां दर्ज कर सकते हैं, इसके लिए क्या नए नियम बनाए गए हैं, सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आज की इस वीडियो में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला सवाल तो ये है, क्या पेट्रोल चोरी हो सकता है आज भी? जी हाँ, पेट्रोल आज भी चोरी हो सकता है, लेकिन मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। यहाँ पर आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर सबसे ज़्यादा ये जो कर्मचारी होते हैं, ये आपके ध्यान बटने का फ़ायदा उठा करके पेट्रोल चोरी कर लेते हैं। और 10 ml, 20 ml, 50 ml का पता तो ना तो आपको ऑन द स्पॉट चलता है और ना ही आपकी गाड़ी का मीटर पता लगा पाता है। बहुत ही रेयर केस में बाइक में या स्कूटी में हो सकता है कि आप पता लगा लें, लेकिन ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि आप 20-50 ml का जो कमी हुई है वो पता लगाएं। लेकिन अगर हज़ारों लोगों के साथ ऐसा होता है तो महीने में लाखों रुपए का ये एक्स्ट्रा फायदा उठा सकते हैं इसमें। लेकिन यहाँ बचने के कई सारे तरीके भी हैं। आपको पता है महाराष्ट्र पेट्रोल चोरी के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे और यूपी नंबर 2 पोजीशन पर है। तो अगर आप इन दोनों राज्यों से देख रहे हैं वीडियो, तो आप ध्यान रखें कि किस तरीके से आप बच सकते हैं इन तरीकों के फ्रॉड से। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। साल 2017 में यूपी के लखनऊ में कुछ पेट्रोल पंप पर शिकायत मिली कि यहां पे पेट्रोल की चोरी की जा रही है। तो वहां पर जब टीम पहुंची, उनने मीटर को चेक किया, मशीन को चेक किया गया, तो वहां से उनको चिप मिली। ये एक रिमोट कंट्रोल चिप थी जिसको अंदर कमरे में बैठा हुआ कोई भी बंदा रिमोट से कंट्रोल कर सकता था। इसका ये तरीका था कि इसको कुछ इंजीनियर की मदद से लगाया गया था और जब भी चाहे वो रिमोट से इसको एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकता था। तो इसमें कुछ इस तरीके से सेटिंग की हुई थी कि 100 का कोई तेल डलवाता है तो 90 या 92 रुपए का तेल उसको मिलता, 500 के तेल में आपको 460-470 का तेल मिलता, या इस तरीके से इसमें कुछ कोडिंग की हुई थी जिस तरीके से ये लोग इसका फायदा उठा रहे थे। बाय चांस अगर कोई चेक करने आता तो इसको डीएक्टिवेट करके वापस से नॉर्मल किया जा सकता था मशीन को। तो इस तरीके से इंजीनियर की हेल्प से बनाई गई ये चिप पकड़ी गई थी। जब कंज्यूमर्स की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तब टीम पहुंची थी। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए कि अगर कहीं पर आज भी यूज हो रही होगी, तो आज के इस भाग दौड़ भरे जमाने में किसी को कहां टाइम है माइलेज नापने का, लेकिन फिर भी लोग ध्यान रखते हैं। तो आप समय समय पर पेट्रोल पंप बदलते रहें या जहां पर आपको यकीन हो कि सबसे सही तेल मिलता है वहीं से ही तेल डलवाएं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि आप राउंड फिगर में कभी भी तेल न डलवाएं। जैसे आपको 500 का ही डलवाना है तो आप 502, 503 खुले पैसे लेकर के साथ में चलें, या UPI पेमेंट तो आजकल सबसे आसान तरीका है। कई बार आपने देखा होगा कि वो तेल डालते टाइम F1 या F2 बताता है, तो आप पूछोगे उससे ये क्या कर रहा है, वो बताएगा कि यहां पर हमने 100 रुपए का या 200 रुपए का या 500 रुपए का सेट कर रखा है, जिससे कि बार बार हमारा नंबर डालने में टाइम वेस्ट। तो बात सुनो, तो उससे ये कहें कि आपको 100 डायल करने में कितने सेकंड लग रहे हैं या 110 डायल करने में कितना टाइम लग रहा है, जो आप टाइम बचा रहे हो यहां पर। दूसरी चीज ये है, जब आप अपनी कार में तेल डलवा रहे होते हैं तो उस समय आप गाड़ी में आराम से बैठे हुए हैं, आपने मीटर भी देखा, 0 है, मीटर चल पड़ा। अब यहाँ पर वो नोजल में अगर कट भी लगा रहा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने कार में या किसी बड़ी गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं तो गाड़ी से उतर करके जहां पर टैंकी है वहां पर खड़े हो और वहां से तेल डलवाएं, और उसको बोल दें कि ये नोजल जो तुम पकड़े हो इसको ऑटो कट पे लगा करके छोड़ दो, 500 का, 1000 का, जो भी आपको डलवाना है तेल, तो वहां से आप जब वो पूरा हो जाएगा तो ऑटो कट हो जाएगा, उसके कुछ सेकंड बाद वो वहां से निकाल लेगा। इससे थोड़ी संभावना कम रहती है चोरी होने की और यहां से आप सेफ रहेंगे। एक तीसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो वो पाइप रहता है पेट्रोल का, तो आप गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी करें उससे, ताकि उसमें कोई बल ना पड़े। वो पाइप बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, बीच में कहीं मुड़ा हुआ ना हो, जिससे कि जब सीधा रहेगा पाइप तो जितना भी तेल होगा वो प्रॉपर तरीके से आपकी गाड़ी में को आएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी आप अपनी बाइक या स्कूटी या कार की जो टैंक है उसको पूरा खाली होने ना दें। हमेशा उसमें 2-3 लीटर तेल रखें ही रखें, क्योंकि इससे ये रहता है कई बार एक प्रेशर की वजह से भी आपको तेल उसमें कम पता चलता है, कई बार हवा की वजह से भी ऐसा लगता है कि तेल उसमें ज़्यादा आया है। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी की टैंक जो है हाफ तो रखें ही रखें, और कार में अगर नहीं रख सकते तो बिल्कुल खाली होने उसको ना दें। एक तो इससे इंजन पे भी फर्क पड़ता है और दूसरी चीज़ पेट्रोल भरवाते टाइम भी ये एक असर डालता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि मीटर हमेशा ही 0 करवाएं, राउंड फिगर में कभी भी तेल ना डलवाएं। एक चौथी बात ये बताना चाहूंगा मैं आपको कि पेट्रोल पंप पर अगर आप तेल डलवा रहे हैं, आपके शहर में 4-5 पेट्रोल पंप होंगे ही, तो आप बदल बदल कर चेक करवाएं, और अपने ऑफिस जा रहे हैं या नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो 2-4 दिन ऐसे ध्यान रखें कि माइलेज कहां से आपको ज़्यादा मिल रहा है। आपने 500 का तेल एक जगह पड़वाया, वो इतने दिन चला या इतने किलोमीटर आप चले तो वहां पर इतना माइलेज मिला, तीसरे चौथे पंप पे इतना माइलेज मिला, इस चीज़ की एक कैलकुलेशन कर लें। ये 4-5 दिन की कैलकुलेशन आपके आगे आने वाले कई सालों तक आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली है।
तो इस तरीके से आप 4-5 दिन लगा करके अपने बाइक का या कार का या स्कूटर का माइलेज चेक करें। और दूसरी बात यह है कि बाई चांस आपको लगता है कि पेट्रोल पंप वाला धोखाधड़ी कर रहा है या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आप मैनेजर से कंप्लेन रजिस्टर ले करके वहाँ पर लिखित में कंप्लेन दर्ज कराएं। जो भी आपकी कंप्लेन रहे कि वो आपकी बात नहीं मान रहा या जो भी तरीका है, आप वहाँ पर लिख करके उसकी कंप्लेन करा सकते हैं। और कहीं बड़ी मात्रा में ही आपके साथ इस तरीके की चोरी या धोखाधड़ी हो जाती है तो यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 देश में लागू कर दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। जी हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो चुका है और इस कानून के लागू हो जाने के बाद घटतौली कर रहे पेट्रोल पंप संचालकों के ऊपर नकेल कसना भी शुरू कर दिया गया है। ये कोई आम बात नहीं है। हो सकता है कि आपको 10-20-50-100 रुपये का ही नुकसान हुआ हो या पूरे 10-12 साल में आपके पास 10-12 हज़ार का हो, लेकिन इस तरीके से कई सारे पेट्रोल पंप वाले लाखों रुपये की धोखाधड़ी कर लेते हैं। तो इसलिए आपको ही जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि देश भर के सभी पेट्रोल पंप ऐसे करते हों। गिनती के ही कुछ ऐसे पेट्रोल पंप होंगे जो इस तरीके की चीज़ों का सहारा लेते हैं, जिस वजह से बाकियों के ऊपर से भी विश्वास उड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, 4-5 बातों का इनका ध्यान रखना है जिससे आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। और होती है तो यहाँ पर आपके लिए कंज्यूमर एक्ट बना दिया गया है, प्रोटेक्शन एक्ट है ये, जहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक ऐसा ही केस सामने आया था जहाँ पर एक उपभोक्ता ने ऐसी ही धोखाधड़ी के संबंध में तेल कंपनी को टैग करते हुए ट्वीट किया था। 24 घंटे के अंदर एक अधिकारी का फोन आया और उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया था। असल में पेट्रोल पंप वाले भले ही आपको ये बताएं कि उसने आपकी कार में मीटर में बताई गई मात्रा की पेट्रोल डाल दी है, लेकिन पेट्रोलियम कंपनी के पास उस पेट्रोल पंप का पाई पाई का हिसाब होता है, उसके यहाँ कितना ईंधन था और कितना ईंधन वाहनों में डाला गया। तो किसी तरीके की शंका या शक होने पर पेट्रोल पंप के स्टॉक का रिकॉर्ड चेक कर तेल कंपनी उचित कार्रवाई कर सकती है। आप वहां पर लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करा करके भी आ सकते हैं उस पेट्रोल पंप के ऊपर। चाहे तो उस कंपनी का गूगल सर्च करके कस्टमर केयर नंबर पर भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर के भी रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट, या फिर ट्विटर के माध्यम से भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। और जो ये नया उपभोक्ता संरक्षण कानून है, अगर कोई नए उपभोक्ता संरक्षण कानून की धारा 20 और 21 के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो उसे 6 महीने की जेल की सजा या 20 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ से आप कंप्लेन भी करा सकते हैं। और ये नए जो एक्ट बने हैं, इसकी वजह से जो आजकल तेल चोरी है वो कम भी हो गई है। हालांकि जिन लोगों तक ये चीज़ नहीं पहुंची है वो आज भी चोरी कर रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ना आसान हो जाता है जब हम इन कुछ नियम का पालन कर लेते हैं।